हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में आपकी चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल की वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट है, टोटल 6000 सीट्स के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इलिजिबल रहेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की जॉब के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ कि हरियाणा पुलिस का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रहेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, पीएमटी पीईटी सारा कुछ बताऊंगी, तो एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर नंबर की सीट आई है, वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। टोटल पोस्ट 6000 रहने वाला है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अच्छी नंबर की सीट देखी जा रही है। मेल्स के लिए यहाँ पर 5000 सीट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 सीट है। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। तो जो मेल फीमेल नॉन रेसिडेंट है, जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट से 100 रुपीज लिया जाएगा, और जो रेसिडेंट फीमेल है हरियाणा की उनसे यहाँ पर 50 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो हरियाणा के BCSC EWS मेल है उनसे 25 रुपीज लिया जाएगा, हरियाणा स्टेट के BCSC EWS फीमेल से 13 रुपीज लिया जाएगा। तो ये अभी तक जो मुझे जानकारी है कि फॉर्म का फी ये रहता है उसके आधार पर बताया। बाकी अगर कुछ न्यू अपडेट इससे रिलेटेड आती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी। एज आपका रहेगा 18 to 28 years, मतलब 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। और बात की जाए कि क्वालिफिकेशन क्या डिमांड है, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल, 12th पास आउट, मतलब कि इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने भी 12th पास आउट कर रखा है, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट्स इलिजिबल रहने वाले हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 स्टेज है सिलेक्शन के लिए। पहले स्टेज पर पीएमटी है, जो कि क्वालिफाइंग है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें आपका शारीरिक मापदंड का परीक्षण होता है। उसके बाद पीईटी, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें आपकी रनिंग होती है। थर्ड है आपका रिटेन एग्जाम। तो रिटेन एग्जाम जो है ऐसे तो 100 मार्क्स का होता है, पर इसका वेटेज ना 94.5% ही रहता है। आगे समझ लेते हैं कि बाकी का 5.5% क्या चीज में आपको मिलेगा। जब आपका डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 3% मार्क्स मिलता है एनसीसी कैंडिडेट्स को, एंड 2.5% जो मिलेगा वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब कि आपके सामाजिक आर्थिक क्राइटेरिया, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर आप कैटेगरी वाइज किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा उसका। चलिए देख लेते हैं, लास्ट स्टेज पर मेडिकल है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, इसके क्या क्राइटेरियाज है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगा अनरिजर्व्ड के लिए 170 सेंटीमीटर, मतलब अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जनरल कैंडिडेट्स, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको 168 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रिक्वायर्ड रहेगा। फीमेल्स के लिए अनरिजर्व्ड का 158 सेंटीमीटर है और रिजर्व्ड कैंडिडेट का 156 सेंटीमीटर है। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, अनरिजर्व्ड का 83 to 87 सेंटीमीटर, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 81 to 85 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनरिजर्व्ड का यहाँ है और रिजर्व्ड का यहाँ, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको दोनों ही में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुआ आपका पीएमटी। जब पीएमटी में क्वालिफाई हो गए तो आपका पीईटी होगा, रनिंग होगा। तो आइए देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। मेल कैंडिडेट्स के लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि उनको 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा।
फीमेल्स को 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर आप एक सर्विस मैन हो तो आपके लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्वालिफाई करोगे ना तब आपका एग्जाम होगा। पहले ही बताया है कि आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 94.5% वेटेज है, मतलब कि आपका 94.5 मार्क्स आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा। टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एकदम प्लस पॉइंट है आपके लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, हरियाणा के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर होंगे, तो ऑल इंडिया के कहीं से भी आप अप्लाई करोगे, हरियाणा में जाके आपको एग्जाम देना होगा। चलिए देख लेते हैं कि परीक्षा में किन किन सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस रहेगा। जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से रहेंगे, करेंट अफेयर्स रहेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज से। और हाँ, जनरल स्टडीज में आपका जो हरियाणा से रिलेटेड जीके होगा वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जिस स्टेट का एग्जाम होता है ना उससे रिलेटेड टॉपिक भी पूछी जाती है। So, ये आपका एग्जाम हो गया, इसको क्वालिफाई करोगे तो आपका डीबी होगा। उसमें आपको पहले बता दिया है कि एनसीसी वालों को 3% का यहाँ पर मिलेगा मार्किंग, और जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको 2.5% का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि आपका जब जॉब होगा तो सैलरी क्या मिलेगी। तो आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है 21,700 रुपीज, मतलब 21,700 से स्टार्टिंग होती है आफ्टर पर्स अलाउंसेस, हर साल के इंक्रीमेंट के बाद आपका सैलरी हो जाता है 69,100 रुपीज, मतलब 70,000 के करीब हर महीने की सैलरी हो जाती है। सो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सीट भी आपको 6,000 सीट है, काफी अच्छा, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी आई है। तैयारी भी अपनी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आपका ये फॉर्म ना फरवरी 2024, मतलब फरवरी ऑलरेडी स्टार्टेड है, और आप मान के चलिए कि 10 फरवरी तक ये वैकेंसी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल इसके रिगार्डिंग आपको बताया आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी डाउट है, मन में कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज इसका डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पर एक न्यू वीडियो भी आप सभी के बीच लेकर आऊंगी, अगर कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो जरूर नोटिफाई कर दूंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, उस पे सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम डेट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर भी फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।